स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है। ये पार्ट थ्री वीडियो है। पार्ट थ्री वीडियो, आप टू पार्ट ऑलरेडी कर चुके हो, इसके मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करो, आफ्टर दैट आप थर्ड वीडियो पे आओ, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन ही करनी है, बट फैक्टराइजेशन इस बार करनी है ग्रुपिंग ऑफ टर्म। जैसे हमने लास्ट टाइम, जैसे मान लो ये ऐसा कोई फैक्टर आपके पास लिखा हो, ऐसा कोई फैक्टर लिखा हो, तो आप जो है इसको कैसे जो है हैंडल करते हो। आपको पता है कि ये कॉमन फैक्टर जो है सेम होना चाहिए, तब हमारी फैक्टराइजेशन सेम मानी जाती है। अगर कॉमन फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फैक्टराइजेशन जो है करेक्ट है, अदरवाइज ये फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। अब क्या है कि आपको जैसे ये दिया होता है, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2x प्लस एक्स प्लस टू। तो यहां से मैंने ये जो है x कॉमन निकाला तो x प्लस टू बन गया, और यहाँ पे 1 निकाला तो x प्लस टू। तो अब देखो ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो x प्लस वन एक्स प्लस टू, ये हम आंसर निकालते थे। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन दिया होगा, आपको इसके फैक्टर बना के दिए होंगे, आपको सिर्फ अगले ये दो स्टेप करके उसको मेंशन करना है कि कैसे उसको निकाला जाए। मतलब कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में रहा होगा, इस फॉर्म में रहा होगा, उसके ये फैक्टर बना दिए, अब उसके बाद बोला कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब सेकेंड स्टेप दे दिया, अब आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप खुद से लगाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल वन फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाली जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है। मतलब फैक्टर बना के दिए हुए हैं, आपको देखना है कि दोनों फैक्टर, ये बीच वाला जो है फैक्टर कॉमन फैक्टर बने और जो है आपको जो है सही आंसर मिले। अब जैसे मान लो मैंने इसकी पेयरिंग करी तो मेरे को ये दिखा कि ये x, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बच गया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे x प्लस y। अब देखो ये फैक्टर दोनों सेम है, दैट मीन जब कुछ नहीं दिया तो वहां पे 1 होता है, तो वहां पे 1 लगाओगे। अब पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लो, कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस y, और जो बाकी जो है x और माइनस 1, तो ये हमारे फैक्टर आ जाते हैं, ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, मतलब जो टर्म्स है उनकी ग्रुपिंग करो ताकि आपको उसी हिसाब से उसका आंसर मिले, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, लिखो, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर करो इसको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिया है 5p² 8pq और यहाँ पे 10p प्लस 16q। अब मैं इसकी पेयरिंग बनाऊंगी, मैंने पेयर किया क्योंकि ये देखो, ये मेरे को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को 5 दे रहा है और मेरे को ये 8 दे रहा है, तो दैट मीन यहाँ पे सिर्फ p और q बच रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ से p 2 है, यहाँ p 1 है, ठीक है। तो लीस्ट पावर बाहर आती है, p बाहर आ गया, तो 5p माइनस 8, ये आ गया आपके पास 8q। अब यहां से P और Q तो 1-1 है, तो लेकिन 10 और 16 को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने माइनस 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 5P और ये बन गया 8Q। अब देखो फैक्टर सेम आ गए, दैट मीन हमारा आंसर सही जा रहा है। तो कॉमन फैक्टर लिखो 5P माइनस 8Q और साथ में ये जो P दिया है और माइनस 2, तो ये बन गया P माइनस 2, दिस इज ए फैक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। देखो ये ग्रुपिंग आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा कि ताकि आपको आंसर मिले। यहाँ पे देखो a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर 1 है, दैट मीन लीस्ट पावर बाहर आएगी, मतलब a बाहर आ गया, b बाहर आ गया। और यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर बी को कॉमन फैक्टर ए बी से करोगे तो बी बी से कैंसल, ए ए से कैंसल, तो आंसर मिला ए। और इसी तरह ए बी स्क्वायर को डिवाइड करोगे ए बी से, ए कैंसल, आपको मिलेगा माइनस बी,
इसी तरह यहाँ पे देखो 3 को कॉमन निकाल लो तो ये a माइनस बी कॉमन फैक्टर मिल गया, a माइनस बी वो लिखा और जो बाकी लेफ्ट है उसको लिख दो ए बी प्लस 3, दिस इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4b6। अब देखो अगर मैं सीधा इसकी पेयरिंग करती हूँ तो देखो हमें बेनिफिट होता है, पहले इसको समझो ध्यान से क्योंकि ग्रुपिंग आपको खुद लगानी है बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं बाद में ये देखो मैंने इसकी ग्रुपिंग करी, सीधा क्वेश्चन देखा मैंने ग्रुपिंग शुरू कर दी। अब देखो a की पावर 1 1, यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो मतलब 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 से 3 बंदा 3 डिवाइड होता है और 6, तो यहाँ पे a बाहर आया आपके पास बचा x और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास माइनस यहाँ पे 2y, ठीक है जी यहाँ पे 2y। अब इसी तरह इसकी ग्रुपिंग करो, यहाँ से b बाहर आया तो यहाँ पे कितना बचा ये देखो 8 है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4y और यहाँ पे जो है आपके पास 2x आ गया, मतलब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया। अब देखो ये फैक्टर जो है रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है ये फैक्टर जो मैंने ये वाली ग्रुपिंग करी इससे मेरे को फैक्टर जो है रॉन्ग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन हमारी इनकोरेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है आगे बैलेंस करना है। देखो कैसे करती हूँ, मेरे को बीच में ये देखो a है और b है, ठीक है तो मैं 3ax प्लस 4bx लगा दिया और माइनस 6a माइनस 8by ताकि मेरे को बीच में a माइनस b मिल जाए। तो मैंने यहां से देखो x बाहर निकाला तो ये बन गया 3a प्लस 4b और यहां से 2y कॉमन निकाला तो यहां पे बचा आपके पास 3a प्लस 4b, देखो कॉमन फैक्टर बन गए तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस 2y और 3a प्लस 4b, ठीक है ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस a माइनस b प्लस ab। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर निकालती हूँ, ठीक है करके देखते हैं, ये 1 माइनस a आया, यहां से मैंने 1 निकाला b बाहर लिख दिया और यहाँ पे कितना बचा 1 और यहाँ पे माइनस a, ठीक है तो ये आपके पास जो है कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं निकल रहा तो 1 लिखते हैं हमेशा, तो ये बन गया 1 माइनस a 1 माइनस b, दिस इज द आंसर। ठीक है क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन होएंगे, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं, ग्रुपिंग बस ध्यान से लगानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो है नए नए क्वेश्चन मिले। यहाँ पे देखो a a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc और यहाँ पे इसको पहले a को मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab ac प्लस 2bc। अब इनकी पेयरिंग बनाओ तो इनकी इसके साथ पेयरिंग, यहां से मैंने a कॉमन निकाला क्योंकि लीस्ट पावर कॉमन निकालते हैं तो माइनस a 2b आ गया और यहां से c कॉमन निकाला तो यहाँ पे a माइनस 2b कॉमन फैक्टर्स है तो इसका मतलब a माइनस 2b और साथ में a माइनस c, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगर क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस x और x क्यूब, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्वेश्चन कैसा दे दिया, पहले जो आप सिंपल कर सकते हो आपके हाथ में मल्टीप्लिकेशन करना है आप मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स वाई हो गया और यहां से आपको मिला एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब। अब इनकी पेयरिंग बना दो, यहाँ पे देखो वाई टू है यहाँ पे वाई वन है और यहाँ पे वाई वन है और एक्स टू है और एक्स थ्री, दैट मीन लीस्ट पावर बाहर आएगी, यहां से मैंने वाई कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया वन माइनस एक्स और यहां से मैंने x की पावर 2 निकाला तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है एक मिनट में यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे बचेगा y माइनस x, ठीक है यहाँ पे y एक मिनट में यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ माइनस कॉमन निकाला
देखो जरा आंसर सही आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे प्लस है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस निकाला तो यहाँ से आपको वाई माइनस एक्स मिल गया, तो अब इसका आंसर जो आएगा अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो वाई प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में कॉमन फैक्टर वाई माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन इसका, अगर आपको ए बी स्क्वेयर दिया है प्लस ए माइनस वन बी दिया है माइनस वन, आप क्या करो बी को पहले मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वेयर ए बी माइनस बी माइनस वन इनकी पेयरिंग कर दो, यहाँ पे ए वन है तो ये निकल जाएगा, इसी तरह बी की पावर टू है और बी की पावर वन है तो दैट मीन लीस्ट पावर बाहर आती है, मैंने यहाँ से ए बी बाहर निकाला, यहाँ पे लेफ्ट बचा बी प्लस वन, यहाँ से वन निकाल लोगे तो बी प्लस वन, कॉमन फैक्टर बोथ आर सेम सो दैट्स वाई वी कैन राइट ए बी माइनस वन और बी प्लस वन, दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं आप उसको ध्यान से देखो, क्योंकि सारा खेल जो है ग्रुपिंग पे है, अगर आपको ग्रुपिंग करनी आती है तो आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे, मतलब अगर कॉमन फैक्टर है तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन फैक्टर आ गया तो दैट मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वेयर, आप इसका जो है आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, और इसी तरह पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। अब यहाँ पे आप इसका होल स्क्वेयर खोलो, ये बन गया ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स और बी वाई, इसी तरह इसको खोलो बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स टू बी एक्स और ए वाई। अब मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख रही हूँ, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज इट इज बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे टू ए बी एक्स वाई लिखा, यहाँ पे बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको भी लिखा टू ए बी एक्स वाई, ये दोनों कॉमन है, एक प्लस का एक माइनस का, ये शहीद हो गया, आपके पास लेफ्ट बचा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब देखो इनकी ग्रुपिंग करो, देखो क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग करी, मैंने ए एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालना है तो यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसी तरह बी स्क्वेयर वाई और साथ में ए स्क्वेयर वाई, इनको रीअरेंज किया तो इन दोनों में से अब फैक्टर निकालो, यहाँ से फैक्टर निकलेगा एक्स स्क्वेयर अंदर लेफ्ट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसी तरह यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, दोनों फैक्टर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और साथ में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर माइनस बी जेड स्क्वेयर। अब देखो इनकी ग्रुपिंग पहले करो, अगर मैं इनको देखती हूँ तो यहां से मेरे को एक्स स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को वाई स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को जेड स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है, तो दैट मीन हम ग्रुपिंग इस हिसाब से करेंगे, तो जब मैंने इसकी ग्रुपिंग करनी शुरू करी तो एक्स स्क्वेयर अंदर क्या बचा ए माइनस बी, यहाँ से वाई स्क्वेयर बाहर निकालना तो ए माइनस बी, यहाँ से मैंने जेड स्क्वेयर निकालना तो मेरे को मिला ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी तीनों में कॉमन है तो मैं उनको एस को बाहर लिख सकती हूँ ए माइनस बी, और अंदर लेफ्ट बच गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, दिस इज द आंसर।
ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और कर रही हूँ, दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई करो क्वेश्चन। अगर आपने फैक्टराइजेशन इस लेक्चर को ध्यान से देखा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। या ऐसे है, बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये बन गया आपके पास ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई और माइनस बी स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर है तो ये लीस्ट वाला मैं साथ में ले रही हूं, तो इसको मैंने साथ में लिया इसके साथ, तो मैंने लिखा ए बी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई। इसी तरह ए बी वाई स्क्वेयर और बी स्क्वेयर एक्स वाई, मतलब एक में पावर टू है एक में पावर वन है, तो इनका पेयर बनाओ आपस में, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे ए की पावर टू है, यहाँ पे ए की पावर वन है, एक्स स्क्वायर की पावर टू है, एक्स वन है, तो दैट मीन ए एक्स जो है बाहर आएगा, अंदर लेफ्ट बचा बी एक्स माइनस ए वाई। इसी तरह यहाँ से बी वाई बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैक्टर सेम नहीं है, अब यहाँ पे एक स्टेप और लगेगा कि आपको फैक्टर अगर सेम करने हैं दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखो ए वाई है, बी एक्स है, लेकिन लिखा क्या है, बी एक्स पहले लिखा है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखो ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई और यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं दोनों फैक्टर को सेम करने के लिए, तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये बी एक्स हो गया और ये माइनस का ए वाई हो गया। अब देखो दोनों तरफ फैक्टर कॉमन है, हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी वाई, और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, दिस इज ये इसका जो है आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करो समझो, अगर आपको फिर भी कुछ चीज नहीं समझ आई तो आप मेरे को जो है ग्रुप में जो है मैसेज करो, तो मैं आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए क्वेश्चन मिले। थैंक यू वेरी मच।